नमस्कार, मैं हूं सुमित प्रकाश बबेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी सुर्खी एक ऐसे जवान से जुड़ी है जिसकी इंडिया चाइना के साथ हुई झड़प के दौरान मौत हो गई है। हिमाचल ने एक जवान खोया है। इंडिया और चाइना की झड़प के दौरान इस युवक की मौत हुई है। 21 साल का ये युवक हमीरपुर जिले का था और 2 साल पहले इसने सेना ज्वाइन की थी। यहाँ स्पष्ट कर दें कि 2 दिन पहले इंडिया और चाइना की झड़प हुई थी। इस दौरान इंडिया ने अपने 20 जवान खोए हैं, साथ ही इसमें 40 जवान चाइना के भी हताहत हुए हैं। इस घटना के दौरान हिमाचल का एक जवान हमने खोया है, हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। इंडिया चाइना की झड़प में शहीद हुए जवान का नाम अंकुश है, ये हमीरपुर जिले से रहने वाला था। हमारी अगली सुर्खी हिम केयर योजना से जुड़ी है। आप हिम केयर योजना के तहत कार्ड 31 जून तक बनाए जा सकते हैं। इससे पहले 15 जून तक इस योजना के तहत कार्ड बनाने की अवधि रखी गई थी, लेकिन लॉकडाउन की अवधि के दौरान अधिकतर लोग इस योजना के तहत अपने कार्ड बनाने में असफल रहे। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक हिम कार्ड योजना के तहत जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, हिम केयर जो योजना है, स्वास्थ्य विभाग की योजना है, इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को जो अपना इलाज सही ढंग से नहीं करवा पाते हैं आर्थिक कमी की वजह से, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह की योजना चलाई गई है जिस इस योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है। इसी योजना के तहत अब 31 जून तक हिम केयर योजना के तहत कार्ड बनाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस संदर्भ में जानकारी साझा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुलेर ने कहा कि ये योजना राज्य सरकार की ओर से बड़ी अच्छी योजना है। ऐसे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से अपने परिवार के लोगों का गंभीर परिस्थिति में इलाज नहीं कर पाते थे, ऐसे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 31 जून तक वो लोग अपने कार्ड बना सकते हैं और 5 लाख तक की राशि का फ्री में इलाज कहीं भी किसी भी मान्यता प्राप्त जो भी अस्पताल हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में वो अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। हमारी अगली सुर्खी एजुकेशन विभाग से जुड़ी है। यदि कोई टीचर स्टूडेंट के हित में हल्की सजा देता है तो वो आपराधिक श्रेणी में नहीं आने वाला है। इस धर्म में हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश पारित किया है कि यदि कोई टीचर स्टूडेंट हित में यदि उसे कोई हल्की सजा देता है तो वो आपराधिक श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हाईकोर्ट शिमला में राजधानी शिमला के एक स्कूल की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, क्योंकि वहाँ पर 2 स्टूडेंट को एक टीचर ने थप्पड़ मारे थे और इस धर्म में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और तमाम कार्रवाई के बाद ये इस धर्म में एक फैसला सुनाया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि यदि कोई टीचर स्टूडेंट के हित में उसे हल्की डांट लगाता है या हल्की सजा देता है तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट हैं जब उन्हें डांटा नहीं जाता था वो पढ़ाई को हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन अब जब थोड़ा हल्की डांट होगी यानी हल्की सजा भी दी जाएगी तो उसे आपराधिक श्रेणी में नहीं रखने से इसे स्टूडेंट गंभीरता से लेंगे और पढ़ाई का भी माहौल बनने वाला है। इस तरह में बकायदा हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जजमेंट दी है कि अब हल्की सजा यदि स्टूडेंट को टीचर की ओर से दी जाती है तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा। हमारी अगली सुर्खी टीएसटी अध्यापकों से जुड़ी है। अपना अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले जिले के 45 टीएसटी अध्यापकों को नियमितीकरण का तोहफा दिया गया है। हालांकि इन टीएसटी अध्यापकों ने 31 मार्च 2020 तक अपने अनुबंध का कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन लॉकडाउन की अवधि के दौरान इनके नियमितीकरण में थोड़ी देर हुई है, लेकिन अब इनके नियमितीकरण के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। यानी अब चंबा जिले के 45 टीएसटी अध्यापकों को नियमितीकरण का तोहफा दिया गया है। हमारी अगली सुर्खी चंबा जिले की मार्केट से जुड़ी है। खासकर जिला मुख्यालय से जुड़े दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नगर परिषद ने चंबा जिला मुख्यालय के दुकानदारों का जो किराया है उसे बढ़ाने का फैसला टाल दिया है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि चंबा जिला मुख्यालय के जो नगर परिषद के दायरे में आने वाले दुकानदार है उनकी दुकानों का किराया बढ़ाने का फैसला लिया था, अब उस फैसले को टाल दिया गया है। यानी
इस साल दुकानों का किराया नहीं बढ़ने वाला है। हम यहाँ ये भी बता दें कि औसतन सभी दुकानों का किराया 700 है और इसे बढ़ाया जाना था, लेकिन लॉकडाउन की अवधि के दौरान काफ़ी दिनों तक दुकानें बंद रही हैं, इसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए नगर परिषद चंबा की अध्यक्ष नीलम नैर ने इस साल दुकानों का किराया नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी के साथ ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस 3 महीने की अवधि के दौरान जो स्पाई के टेंडर है वो नए सिरे से होने थे, लेकिन अब उन टेंडर की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया है। यानी आगामी 3 महीने और स्पाई के टेंडर नहीं होने वाले हैं। जैसे स्पाई की व्यवस्था जिला मुख्यालय पर चल रही है वैसी ही चलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकानों के किराए से जुड़ी जो खबर है वो चंबा जिले मुख्यालय के जो दुकानदार हैं उनके लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। क्योंकि दुकानदारों के पास ना तो कोई ग्राहक आए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दुकानें बंद रही है काफ़ी समय तक, इसकी वजह से वो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। चूँकि अब किराया नहीं बढ़ाया जाने वाला है तो उन्हें काफ़ी हद तक इससे राहत मिलने वाली है। हमारी अगली सुर्खी चुरा और सुरगानी एरिया से जुड़ी है। वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान दवाइयों की दुकानों में जाकर वहाँ पर दवाइयों की जांच करने के साथ वहाँ से कुछ सैंपल भी एकत्रित किए हैं ताकि दवाइयों की गुणवत्ता की सही जानकारी हासिल हो सके। और यहाँ स्पष्ट कर दें कि ड्रग इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने सुरगानी और चुरा उपमंडल के एरिया में पहुँचकर वहाँ की दवाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहाँ उपलब्ध दवाइयों की दुकानों में उपलब्ध स्टॉक को जांचने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी देखी, और साथ ही 10 दवाइयों के सैंपल उन्होंने एकत्रित करके कंडाघाट लैब को जांच के लिए भेजे गए हैं। यदि वो सैंपल फेल होते हैं तो उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हमारी अगली सुर्खी सैर पर निकले एक ऐसे बुजुर्ग से जुड़ी है जिनकी ढांक से गिरकर मौत हो गई है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि चकलू निवासी 17 वर्षीय टेकचंद सैर पर निकले थे और इस दौरान उनका पांव फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरे। इसका पता उसके दूसरे दिन पता चला जब उनके परिवार के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे जब वो सैर से वापस नहीं आए थे, और दूसरे दिन वो खाई में अचेत अवस्था में मिले थे। बहरहाल टेकचंद के खाई में गिरने के संदर्भ में पंचायत प्रधान को सूचित किया गया। उसके बाद पुलिस को इस संदर्भ में सूचना देकर मौके पर बुलाया गया और फिर उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये टेकचंद 70 वर्षीय बुजुर्ग शाम के वक्त सैर को निकले थे। इस दौरान उनका पांव फिसलकर वो गहरी खाई में जा गिरे थे। रात का अंधेरा होने के कारण ये पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह के वक्त जब वहाँ से कुछ लोग गुजरे थे तो उन्हें टेकचंद गहरी खाई में अचेत अवस्था में मिले थे, और इस संदर्भ में उन लोगों ने परिवार के लोगों को सूचित किया था। उसके बाद टेकचंद की डेड बॉडी को पुलिस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी को घर के सुपुर्द करने के बाद उनको अंतिम संस्कार करवा दिया गया। हमारी अगली सुर्खी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन से मिला। इस दौरान उन्होंने कुछ मांगे रखी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए इस दौरान उन्हें सहायता की ज़रूरत है और सरकार की ओर से उनकी सहायता की जानी चाहिए। और इस संदर्भ में जानकारी देते हुए C2 से जुड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी की जो सदस्य हैं सुदेश ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने एक ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को भेजा है, और उस विज्ञापन में उन्होंने क्या लिखा है आपको हम पढ़ के सुनाने वाले हैं। उन्होंने मांग की है कि आयकर की सीमा से नीचे के सभी परिवारों को 6 महीने की अवधि तक 7500 रुपये प्रति महीने की नकदी दी जानी चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि 6 महीने तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त भी मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने बढ़ी हुई मजदूरी के साथ मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 200 दिन का रोजगार देने की भी वकालत की है। साथ ही शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग उन्होंने उठाई है। साथ ही बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते का फौरन ऐलान करने की उन्होंने राज्यपाल से मांग की है। उन्होंने आज जिला प्रशासन के माध्यम से ये ज्ञापन भेजा, उसी ज्ञापन के माध्यम से ये मांगे उन्होंने
सरकार के समक्ष रखी हैं। साथ ही उन्होंने एक ये भी मांग रखी है कि राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की लूट और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को और श्रम कानूनों के रद्द किए जाने को रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसानों को दिए गए 3 लाख तक के केसीसी ऋणों को माफ करने की वकालत की है। हमारी अगली सुर्खी मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों से जुड़ी है। हम यहाँ बता दें कि अगले 2 महीने तक मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को मछलियाँ पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि जो मछुआरे हैं वो 2 महीने तक अब मछलियाँ नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ स्पष्ट कर दें कि मत्स्य पालन अधिकारी की ओर से निवेदन किया गया है कि 2 महीने तक वो मछली पकड़े से बाज आएँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि 15 अगस्त तक प्रजनन की प्रक्रिया रहती है मछलियों की, इसलिए इस अवधि के दौरान मछलियाँ पकड़ना एक अपराध माना जाता है। इसलिए 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जो मछुआरे हैं उन्हें इसकी एवज में प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। भी जो मछुआरे जो पंजीकृत हैं सिर्फ उन्हें ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। हमारी अगली सुर्खी कांग्रेस कमेटी से जुड़ी है। कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कृतास ठाकुर की अगुवाई में प्रशासन से मिला है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उन्हें नहीं लगता है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होने वाली है। इसलिए इस पूरे मामले की जो जाँच है हाईकोर्ट के जज के माध्यम से होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएम से इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट सीएम के पास है, इसलिए जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद बेमानी है। इसलिए सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जाँच निष्पक्ष तरीके से हो। LAC पर इंडिया और चाइना की झड़प के बाद हिमाचल में भी अलर्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से हिमाचल के 2 जिलों की सीमा को सील कर दिया गया है, यानी किन्नौर और लाहौल स्पीति को पूरी तरह से सील किया गया और वहां पर एहतियात के तौर पर जो आर्मी और ATPP की सेनाएं वहां पर तैनात की गई है और उस एरिया में बिना किसी अनुमति के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारी अगली सुर्खी मौसम विभाग से जुड़ी है। 18 जून तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, लेकिन 19 से 21 जून के भीतर बारिश होने वाली है। तेज गर्जना के साथ होने वाली बारिश के बाद काफ़ी हद तक हिमाचल के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। इस दर में जानकारी साझा करते हुए मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा कि 19 से 21 जून के भीतर बारिश होने वाली है, उसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली। मनमोहन सिंह ने यह भी बताया कि 24 जून के बाद मानसून की दस्तक की भी संभावना है और उन्होंने कहा कि 107% इस तरह की संभावना पूरी है कि मानसून 24 जून से हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। हमारी अगली सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। चंबा जिले में 3 और कोरोना एक्टिव मामले पाए गए हैं, लेकिन सुख बात यह भी है कि 3 जो कोरोना एक्टिव पहले के मामले थे वो नेगेटिव हुए हैं। अब उन्हें स्वस्थ होकर घर भेज दिया गया है, लेकिन ये सबसे बड़ी राहत की खबर है कि कुछ दिनों से कोरोना एक्टिव मामलों के जो आंकड़ा है 10 तक सिमट गया है। कुछ कोरोना एक्टिव अगर मामले आ रहे हैं तो कुछ ठीक भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक राहत महसूस की जा रही है। हमें यहाँ स्पष्ट कर दें कि जब से कोरोना वायरस चंबा जिले में दस्तक दिया है अब तक 42 लोगों को कोरोना एक्टिव पाए गए थे, उसमें से जो कुछ लोग ठीक हो चुके हैं, यानी 31 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सिर्फ 10 एक्टिव मामले अब बचे हैं जिनका इलाज कोविड केयर सेंटर बालू और डलहौजी के अस्पतालों में चल रहे हैं। हमारी अगली सुर्खी भाजपा SC मोर्चा के मंडल चंबा से जुड़ी है। भाजपा SC मोर्चा के मंडल चंबा की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया है। भाजपा SC मोर्चा के मंडल का अध्यक्ष पातोराम को बनाया गया है, जबकि विजय और महेंद्र को महामंत्री बनाया गया है। भाजपा मंडल SC मोर्चा की इस कार्यकारिणी में 21 लोगों को शामिल किया गया है। इसके लिए भाजपा मंडल SC मोर्चा के जो अध्यक्ष पातोराम ने जिला अध्यक्ष युवराज शर्मा और चंबा सदर के विधायक पवनेर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उनका वो ईमानदारी से निर्वहन करने वाले हैं। ये थी आज की सुर्खियाँ, कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।